2 अक्टूबर 2024 को यमन के हूती ने दावा किया था कि उसने लाल सागर में 3 बड़े हमले किए हैं। हूती के मुताबिक उसने लाल सागर में पनामा के झंडे वाले ऑयल टैंकर कॉर्डेलिया मून पर एक समुद्री ड्रोन से हमला किया था। हूती के मुताबिक ये हमला उस वक्त हुआ जब ये जहाज होदेदा बंदरगाह से करीब 110 किलोमीटर की दूरी पर था। इस हमले को लेकर हूती ने कहा था कि उसके ड्रोन हमले से कॉर्डेलिया मून का एक बैलास्ट टैंक पंक्चर हो गया था। हालांकि उस वक्त हूती ने इस हमले को लेकर कोई वीडियो जारी नहीं किया था, लेकिन अब हूती के इस हमले के 2 वीडियो सामने आए हैं जो अपने आप में बेहद चौंकाने वाले हैं। दरअसल जब हूती का समुद्री ड्रोन जहाज के करीब आ रहा था तो उस वक्त जहाज पर मौजूद चालक दल ने इस ड्रोन को तबाह करने की कोशिश की थी, लेकिन ये ड्रोन हर हमले से बार बार बच रहा था। और सुरक्षा कर्मियों की लाख कोशिशों के बावजूद ये ड्रोन सीधे जहाज में जा लगा। इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे क्रू मेंबर्स फायर फायर चिल्ला रहे हैं, लेकिन उनके सारे वार खाली जा रहे हैं और अचानक से ये ड्रोन जहाज से टकरा कर फट जाता है। हालांकि हूती यही नहीं रुकते, वो इस ड्रोन हमले के बाद इस जहाज पर ताबड़तोड़ करीब 8 बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलें दाग देते हैं, जिसकी वजह से जहाज में जोरदार धमाका होता है। हूती द्वारा जारी किए गए वीडियो में साफ दिख रहा है कि कॉर्डेलिया मून समुद्र के बीचों बीच है। तभी कैमरे के पीछे से हूती के कुछ लड़ाके चिल्लाते हैं और इसके बाद हूती की मिसाइलें जहाज पर जा गिरती हैं, जिससे जहाज में जोरदार ब्लास्ट होता है और पूरा जहाज एक आग का गोला बन जाता है। आपको बता दें कि इस हमले को लेकर हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी का बयान भी आया है, जिसमें उन्होंने कॉर्डेलिया मून पर हमले की पुष्टि की है। نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات عسكرية. الأولى استهدفت سفينة كورديليامون النفطية البريطانية في البحر الأحمر، وتم استهدافها بثمانية صواريخ بالستية ومجنحة وطائرة مسيرة وزورق مسير، وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة إصابة بالغة بفضل الله. बड़ी बात यह है कि हूती ने फिर से अपनी पुरानी बात को दोहराया है। उसका कहना है कि जब तक लेबनान और गाजा पर इजराइल का कब्जा नहीं हट जाता, तब तक उसके हमले जारी रहेंगे। हूती के नेता सैयद अब्दुल मलिक अल हूती ने खुद कहा कि अभी तक हूती के हमलों में लाल सागर, अरब सागर और हिंद महासागर में कुल 188 जहाजों को निशाना बनाया गया है। हूती ने अमेरिका के अभी तक 11 MQ-9 रीपर ड्रोन्स को भी ढेर कर दिया है। वहीं इजराइल और अमेरिका पर मलिक ने आरोप लगाया कि दोनों ही यमन के साथ युद्ध भड़काना चाहते हैं। दोनों ने मिलकर अकेले इस हफ्ते यमन के ऊपर 39 एयर स्ट्राइक की हैं। हालांकि होदेदा पर हमले को लेकर हूती का कहना है कि इजराइल का ये हमला पूरी तरह से फेल रहा है। वहीं इजराइल का कहना है कि उसने होदेदा बंदरगाह पर हूती के अहम ठिकानों, बिजली घरों, तेल सप्लाई को तबाह कर दिया। हूती के मुताबिक होदेदा हमले में कुल 45 यमनी लोग घायल हुए थे, जबकि 4 लोगों की मौत हुई थी।